डोनेस्क में रूसी पोस्ट पर भीषण हमले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर फायरिंग की है। यूक्रेन के हमले में रूसी ठिकाने तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की थर्ड असॉल्ट ब्रिगेड ने निशाना बनाया। आमने सामने की जंग में यूक्रेनी जवान घायल हुआ है और यूक्रेन ने, आपको बता दें, अद्रिवका को रूसी सेना से मुक्त करा लिया है। रूस ने पूरी रात यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। डोनेस्क, खेरसोन समेत कई जगहों पर रशियन आर्मी की तरफ ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। वहीं रूसी हमले पर यूक्रेन ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। डोनेस्क में यूक्रेन की थर्ड असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी आर्मी ने डोनेस्क के आंद्रीवका से रशियन आर्मी को खदेड़ दिया है। आंद्रीवका पर अब यूक्रेन का कब्जा है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। रूसी फौज ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को निशाना बनाया है। रूस के हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हमले में यूक्रेन के टैंक और आर्टिलरी भी तबाह हो गए। 1.5 साल से जारी आरपार की जंग अब खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के एक बयान ने टेंशन और बढ़ा दी है। नेटो चीफ ने कहा कि पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि कुछ युद्ध खत्म होने में लंबा वक्त लगता है। यूक्रेन युद्ध तब तक चलेगा जब तक पुतिन अपने हथियार नहीं डाल देते।